हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एंजॉय विद गार्डनिंग में। मैं प्रियंका आज एक नया वीडियो लेकर के आई हूं आपके सामने। प्लांट को जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें वाइट कलर के फ्लावर आ रहे हैं और ग्रीन कलर की इसमें बुश जैसी लीव्स हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी। इसका नाम है वाइट रुएलिया। इस प्लांट को मैंने एक छोटे से पॉट में लगा रखा है, एक राउंड शेप पॉट है उसमें लगाया हुआ है। जैसे मैं पहले आपको इसका व्यू देती हूँ, ये देखिए इस तरीके का है ये प्लांट्स। हाँ, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देती हूँ अब। तो वाइट रुएलिया को प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत होती है। आप इसको शेड में नहीं रख सकते, नहीं तो आपका प्लांट मर जाएगा। आपको इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसे प्रॉपर सनलाइट मिल सके। अब बात करते हैं वाटरिंग की। तो इसकी मिट्टी हमेशा वेट रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसकी मिट्टी ड्राई रहे, इसकी मिट्टी कभी भी ड्राई नहीं रहनी चाहिए। इसकी मिट्टी में हमेशा एक नमी रहनी चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जैसे ही मैंने इसको टच किया, इस पर मेरे हाथों पर हल्की हल्की मिट्टी आ गई। तो नम का मतलब यही है कि आपकी मिट्टी बिल्कुल भी सूखी ना रहे और इतनी भी गीली ना रहे कि जब आप उसको टच करें तो आपके हाथ ख़राब हो जाएँ। बस जैसा कि मैंने अभी आपको छूके बताया कि नम मिट्टी किस तरीके की होती है, इसी तरीके से आप भी इसको चेक कर सकते हैं। तो इसकी मिट्टी हमेशा नम रहनी चाहिए और इसको प्रॉपर सनलाइट मिलना चाहिए। और अब इसको आप कई तरीके से प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके सीड ला के भी इसको ग्रो कर सकते हैं, और आप इसमें वेजिटेटिव कटिंग कर कर भी इसको ग्रो कर सकते हैं, रूट डिवीज़न भी कर सकते हैं इसका। तो आप इसको कई तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में इसको ग्रो कर सकते हैं। और बस आप इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा प्रॉपर सनलाइट तो मिले पर इतना वार्म ना रहे। तो और मैं टाइम टाइम पर इस पर हल्का हल्का फर्टिलाइज़र भी देती रहती हूँ, जैसे काउ मैन्योर है या हमारा बहुत ही माइनर क्वान्टिटी में यूरिया। ज़्यादा यूरिया ना डालें वरना आपका प्लांट जल सकता है। तो बस बहुत हल्का हल्का आपको इसको मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स देना है। थैंक यू।